नमस्ते दोस्तों, आज आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों से ना मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ। सोशल मीडिया देख रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, फिर सोच रही इतने थॉट्स क्यों चल रहे हैं माइंड में। फिर उसका एक सॉल्यूशन निकला, थोड़ी मैंने प्रेयर की बैठ के। फिर मैंने सोचा कि ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मतलब जो मुझे बहुत डीमोटिवेट कर रहे हैं, जो मुझे कुछ भी नया करने से रोक रहे हैं। एक टॉपिक आया दिमाग में कि मैं अपने दिमाग को क्या खिला रही हूँ। जैसे हम मुँह से खाते हैं ना, वैसे हम अपने कान और आईज से भी खाते हैं। ये क्या है? तो मैंने इस चीज़ पे गौर किया, तो मैंने नोटिस किया कि मैं मोस्टली नेगेटिव चीज़ें ही खा रही हूँ, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं चीज़ें कि आज यहाँ पर ये हो गया, इसने ये गलत काम किया। बहुत हार्डली लोग होंगे जो किसी की तारीफ करते हैं, और लेकिन हम मोस्टली नेगेटिव चीज़ें ही उठाते हैं। कौन है ये लोग? तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, और ये सॉल्यूशन बहुत लोगों ने बताया होगा, बट मेरे पर ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट करता है ये वाला। तो मैं आपको जल्दी से बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और बहुत पहले मैं ये कर चुकी थी, लेकिन वो सेटिंग मैंने हिला दी, तो करके वो वाली चीज़ें भी हट गई। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि मैं अपने ब्रेन को नेगेटिव वायरिंग से पॉजिटिव वायरिंग में लेके जाने के लिए क्या करती। तो ये है कुछ पॉजिटिव शब्द। ये पॉजिटिव शब्द कैसे काम करते हैं, ये मैं अभी एक बहुत बड़ी एक अच्छी सी किताब पे, जैसे कि इतना बड़ा साइज, इस पे मैं ये शब्द थोड़े बड़े लेटर्स में लिखूंगी। इसे कहाँ लगाऊंगी, जहाँ मैं सुबह बेड से उठती हूँ और मेरी नज़र डायरेक्टली वो वॉल पे पड़ती है, मैं वहाँ वो शब्दों को स्टिक कर दूंगी। तो ये शब्द कौन कौन से हैं? पहला शब्द है प्यार, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है सुख शांति, फोर्थ है सुंदर, धन्यवाद, भाग्यशाली, आनंद, उत्साह, सफल, सरल जीवन। डेली इसको देखोगे, मॉर्निंग में उठते पहले बात तो आपको सोशल मीडिया को टच नहीं करना है, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, तो आपको अपने ब्रेन को कंफ्यूज नहीं होने देना। तो आपको उठते ही पहले ये वाले शब्दों पे ध्यान देना, एक्चुअली में बहुत ताकत होती है। जैसे आप किसी को कह दो कि थैंक यू सो मच, तो वो सामने वाला कितना हैप्पी हो जाता है, लेकिन आप वहीं पर किसी को बोल दो कि खास ही क्या किया है तुमने, नॉर्मल तो चीज़ की है, तो वो आपके साथ कुछ अच्छा भी करने वाला रहेगा तो भी वो चीज़ वो आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो ये शब्दों को मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि मैं कौन से पेपर पे और कितने बड़े अमाउंट में लिख रही हूँ, कि मेरी मैं रोज सुबह उठ के उसे देख के अपने ब्रेन को रिवायर कर सकूँ। बड़े शब्दों में लिखा है कि अगर मेरी सुबह नींद खुले तो मैं जब इसे रीड करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मुझे जल्दी से वर्ड्स दिख जाए। तो दूसरा, ये आपको वहाँ स्टिक करना है जहाँ आप जैसे ही आपकी नींद खुले तो आपको बस यही चीज़ दिखे सामने। और दूसरी बात कि ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है बैड वर्ड्स यूज़ करना, और हम बहुत कॉमनली वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। पागल है क्या, दिमाग ख़राब है क्या, मर जाके कहीं पर, मेरा तो दिन ही ख़राब जाता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो आपको ये शब्दों को तो एकदम से नो करना है, बिकॉज जो चीज़ आप अपने लाइफ में नहीं चाहते हो अपने मुँह से कैसे निकाल सकते हो। तो और एक और बात कि कोई भी बेस्ट चीज़ होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप ये चीज़ ट्राई करिए, सैड मत रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, पॉजिटिव बोलिए और दूसरों की हेल्प कीजिए, तो अच्छी वाइब्स तो आनी। जो चीज़ से आपको बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है वो है मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छे शब्दों की ताकत तुम ही जानोगे रमेश बाबू।